वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने पहले बजट में पश्चिम बंगाल के लिए सौगात देने की घोषणा की है। शुक्रवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में जल पथ परिवहन सुगम करने के लिए मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाए जाने की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि वाराणसी में इस तरह का मल्टी मॉडल टर्मिनल है। इसके जरिए न केवल जल पथ के जरिए मालों की ढुलाई होगी बल्कि यात्री परिवहन में ही काफ़ी सुविधाएं होंगी। यह मल्टी मॉडल टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाएं से लैस रहता है और जल परिवहन को सुगम बनाने में कारगर साबित होता है। 2018 में केंद्र सरकार ने वाराणसी में माल ढुलाई के लिए मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया था। इस बंदरगाह के जरिए आयात निर्यात के साथ साथ हैवी गुड्स शिप का यातायात भी सुगम होता है। अब इसी तरह की घोषणा वित्त मंत्री ने हल्दिया के लिए कर दी है। इससे राज्यवासियों को सुविधाएं होंगी। माना जा रहा है कि इस टर्मिनल के विकसित होने के बाद नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश से आयातित होने वाले सामानों को देश के दूसरे हिस्से में पहुंचाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके जरिए कारोबारियों को जलपथ परिवहन के जरिए कम से कम किराया देकर सामानों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुँचाने में मदद मिलेगी। हल्दिया बंदरगाह के जरिए न केवल वाराणसी बल्कि मुंबई, चेन्नई और दक्षिण भारत के कई राज्यों में जल पथ परिवहन में सुविधाएं होंगी।